शंकर भगवान की एक कहानी है जो मेरी फेवरेट है। दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है ये कन्नप्पा। सो महाभारत के समय जब अर्जुन हिमालय गए थे शिवजी को प्रसन्न कर पशुपता अस्त्र पाने के लिए, तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी आए थे एक शिकारी के रूप में उनके परीक्षा लेने। पर अर्जुन बहुत घमंडी था, उसे अपने हुनर अपनी काबिलियत पे बहुत घमंड था। उन्होंने शिकारी का बहुत अपमान किया। शिवजी ने उनका घमंड उतारा। पर यह जो पाप अर्जुन से हुआ, इसके लिए कहते हैं कि उसको जब आगे के जन्मों में एक शिकारी के रूप में पैदा होना पड़ा, और वो शिकारी था कन्नप्पा। सो कन्नप्पा एक शिकारी जंगल में रहता था, अनपढ़ गवार, कुछ पता नहीं था, शिकारी करता था, जानवर मारता था और वैसे जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे जंगल में एक शिवलिंग मिल गया। वो शिवलिंग देखते ही कन्नप्पा को एक लगाव उसके प्रति, क्योंकि पिछले जन्मों का बात था ना, एक लगाव तो होगा ही। कन्नप्पा की समझ में नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि मैं इस शिवलिंग की पूजा करूं, आराधना करूं, पर कैसे, अनपढ़ जंगली आदमी, कुछ पता नहीं उसे। तो उसने देखा कि कुछ लोगों ने वहां पे किसी ने उस पे फूल वूल चढ़ाया हुआ है जो मुरझा गए हैं। तो उसने कहा कि मैं भी करता हूं, और शायद अभी ये शिवलिंग भगवान को भूख भी लगी होगी, यहां कब से पड़े पता नहीं। तो वो गए नदी के पास, मुंह में पानी भरा उसने, और वो मुंह से आके उसने पानी उढ़ेला शिवलिंग पे, शिवलिंग धोने के लिए अपना झूठा पानी। जो जानवर मारा था उसका सबसे अच्छा अच्छा हिस्सा निकाल के उसने शिवलिंग को अर्पित किया कि लो प्रभु आप भी खाओ, तुम क्यों भूखे रहो। ये उसका अर्पण था। पर भगवान शिवजी बुरा नहीं माने, क्योंकि वो भक्ति देखते हैं, ये सारे रीति रिवाज नहीं। वो जो शिवलिंग का ध्यान रखने वाला जो पुजारी था, उसने दूसरे दिन आके देखा कि ये किसने गंदगी कर दी, मांस वास उसने सब हटाया, सब साफ वाफ की, और फिर उसने अच्छे से पूजा की, पूरा मंत्रोच्चारण के साथ फूल वूल अर्पित की, सब कुछ पूरा रीति रिवाज, ब्राह्मण देव, और घर गए। शाम को फिर करना पाए, फिर उसने देखा अरे अभी भी मेरे भगवान के पास कुछ नहीं खाने के लिए, उसने फिर वही किया। ऐसे 3-4 दिन चला, पंडित जी बहुत 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 उदास हो गए कि ये क्या हो रहा है। शंकर जी से पूछ रहे शिव जी ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। शिव जी उस पंडित जी के सपने में आए और कहा कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, आओ तुम्हें मैं बताऊं ये क्या है और कैसा है, कल देखना छुप कैसे। सो पंडित जी पेड़ के पीछे छुपे। कन्नप्पा जब आ रहा था शिवलिंग के पास दूसरे दिन, तो उसने देखा कि शिवलिंग में एक आंख से खून आ रहा है। कन्नप्पा विचलित हो गया कि अरे ये क्या हो गया मेरे शिवलिंग को, ये खून कैसे, क्या करूं, किसने किया, कोई नहीं है, क्या करूं मैं, किसने किया पता नहीं। तो उसने जाके कुछ जंगल से कुछ पत्ते वत्ते लाए जो दवा होगा लगाया, पर खून रुक नहीं रहा, इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। फाइनली इसे लगा कि हाँ आंख में कुछ दोष है, मैं अपना आंख दे देता हूं। उसने अपना बांड लिया, अपना आंख निकाला और वहां लगा दिया। वो आंख से खून आना बंद हो गया, और थोड़ी देर में दूसरी आंख से खून आने लगा। कन्नप्पा विचलित कि अब मैं क्या करूं, दूसरी आंख से भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरी आंख है मेरे पास, वो निकाल के लगाता हूं मैं। अरे पर दूसरा आंख निकाल दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे कि कहां लगाना है। उसने अपने प्रेम और अपनी समझ में अपना पैर शिवलिंग पे लगा, और पैर के जो अंगूठा है उससे वो निशान मार्क की कि यहां लगाना है मुझे। अपना आंख निकालने गया शिवलिंग पे पैर रख के, और शिव जी प्रकट हुए, बोले रुक। तो ये है ईश्वर, ये है शिव जी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या ऊंचा मंत्र उच्चारण क्या बड़ा छोटा करते हो, आपकी भक्ति, शिवजी फर्क नहीं करते। पूरा भस्म है उनके शरीर पे, क्योंकि उनको पता है ये सब कुछ बेकार है, ये सब निश्वर है, नहीं रहने वाला। वो प्रतीक है कि कुछ नहीं रहता, बस श्रद्धा भक्ति और प्रेम। कन्नप्पा को नहीं पता था क्या सही क्या गलत, क्या दूषित क्या क्रूर, उसे नहीं पता था। पर शिवजी जानते थे कि उसका मन सच्चा है, सो अपना लिया। पर क्या आप कह पाओगे कि जो आप अर्पित कर रहे हो शिवजी को कि वो क्रूरता मुक्त है, उसमें क्रूरता नहीं है, वो दूषित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, और मेरा खास नमस्कार शुभंकर मिश्रा जी और द #टैग कुशल दुबे जी को, क्योंकि मेरा ये वीडियो आप लोगों से ही प्रेरित है।
हालांकि आप लोगों ने अपनी वीडियो में वीगन नहीं कहा है, तब भी मैं प्रेरित हूं। कुशल जी, आपके वीडियो पे मैं बहुत हंसा, खासकर वो लाइन कि जिम वालों को पनीर नहीं मिला तो उनकी बॉडी पिचक गई। मैं भी जिम जाता हूं ना। और शुभंकर मिश्रा जी, आपके बात करने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली। मैं एक वीगन कार्यकर्ता हूं, वो जो हर प्रकार की पशु क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाता है, और मैं जानता हूं कि आप सब भारतवासी पशु क्रूरता को गलत ही मानते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, सनातन दर्शन इसकी इजाजत नहीं देता। सो आप दोनों की वीडियो देखे मैंने, और मुझे यह कहते हुए कतई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं। टोटली एग्री करता हूं मैं कि किसी भी एक धर्म या एक त्यौहार, इनफैक्ट कोई भी धर्म या कोई भी त्यौहार को टारगेट करना गलत है, या किसी एक ही समय पर वो मुद्दा उठाना ऐसे लगता है कि कुछ एजेंडा है। जब हमने ईद का वीडियो डाला था तो बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने यही इल्जाम लगाया हम पे, फिर हमें उन्हें समझाना पड़ा कि हमारा पेज देखें, हमारा प्रोफाइल देखें, हम 365 दिन यही काम करते हैं और हर किसी से विनती करते हैं कि प्लीज मासूम पशुओं को स्वतंत्रता से मुक्त खुशहाल जीने दें। कुशल जी, वैसे आपका वीडियो बहुत फनी था, पर शायद आपका मूल बेसिस ये था कि लोग कहते हैं कि पूजा में इस्तेमाल करने की जगह इन्हें गरीबों में क्यों नहीं बांटते, वेस्टेज क्यों करते हो। पर हम वीगन्स जो निर्वध्यता और अहिंसा के मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं, हम इस पॉइंट से नहीं आते। हम कहते हैं कि प्लीज प्लीज ऐसा कोई भी पदार्थ इस्तेमाल न करें जिससे पशु क्रूरता हो, जो पशु क्रूरता से उत्पन्न हुआ हो, जो पशु क्रूरता की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता हो। हम सच्चे पशु प्रेमी हैं, सच्चे पशु रक्षक। सभ्य मानव के हाथ से कोई भी क्रूरता न हो, हम बस यही चाहते हैं। आज 95 से 98% जो दूध और दूध के उत्पाद है मार्केट में, वो क्रूर डेयरी के हैं, व्यापार के हैं, जहां मां को लूटा जाता है। कुछ साल में जब वो बेकार हो जाती है तो फेंक दिया जाता है, उसको बेच देते हैं, उसके बच्चे को मार देते हैं, उससे अलग कर देते हैं। प्लीज आप अपने घर का या आसपास का वो उदाहरण न दें, क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, जहां 30 करोड़ मवेशी है, जहां भारत में आज 5 से 6 करोड़ मवेशियों को हर साल मारते हैं। 5 से 6 करोड़ ने 500 से 600 लाख, हमारे भारत में जो गौशालाएं हैं उनका कैपेसिटी है 6 से 7 लाख, 10 लाख पकड़ लें आप, वो भी 600 लाख जो मारते हैं उसका 1 से 1.5% नहीं होता। सो ये 1% का उदाहरण देख के आप इन 99% के दर्द को अनदेखा न करें। शुभंकर जी, आपसे भी मैं यही कहूंगा, शिव जी तो भोलेनाथ है, उनको सोना चांदी हीरा मोती घी दूध इन सब में, या मिट्टी पत्ते, इन सब में क्या फर्क पड़ता है। वो थोड़ी हमारी पूजा और आराधना को इन मूल्यवान वस्तुओं में तोलते हैं, वो तो हमारी भक्ति और श्रद्धा देखते हैं। शिव पुराण में भी साफ लिखा हुआ है कि अगर ये सामग्री न मिले, क्योंकि आंसू ये क्रूरता से बन रहे हैं, ये दूषित हो गए हैं, अगर ये सामग्री न हो तो आप मंत्रों का उच्चारण कर पानी भी अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग पर, शिव जी को ये मंजूर है। और ये बात कही थी ऋषि उपमन्यु जी ने, जो श्री कृष्ण भगवान के दीक्षा गुरु थे। उन्होंने श्री कृष्ण को सिखाया था कि शिव जी की कैसे सही आराधना और पूजा करते हैं। कृष्ण जी ने वैसे किया और उनको शिव जी के पावन दर्शन हुए, शिव जी ने उनको वरदान भी दिया। अरे शिव जी तो भोलेनाथ है, उनके सामने अगर राक्षस हो, देवता हो, और ये दोनों ने अगर तपस्या करके उनसे वर मांगा तो शिव जी दोनों को दे देते हैं, वो आगे पीछे नहीं सोचते। विष्णु और ब्रह्मा होंगे तो सोचेंगे कि अरे ये तो दैत्य है, इसके पिछले कर्म वैसे थे, ये वरदान का कहीं दुरुपयोग ना करे। पर भोलेनाथ ये सब नहीं देखते, वो उस समय उनकी श्रद्धा और भक्ति देखते हैं, खुश होते हैं और बोलते ले, इसलिए वो भोलेनाथ है। कण्णप्पा को नहीं पता था क्या सही क्या गलत, क्या दूषित क्या क्रूर, उसे नहीं पता था, पर शिवजी जानते थे कि उसका मन सच्चा है, सो अपना लिया। पर क्या आप कह पाओगे कि जो आप अर्पित कर रहे हो शिवजी को कि वो क्रूरता मुक्त है, उसमें क्रूरता नहीं है, वो दूषित नहीं है, कह पाओगे? अगर थोड़ा सा भी भ्रम हो तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि शिवजी पे वो अर्पित न करें।
वैसे शुभंकर जी, आपके वीडियो में कुछ बातें जो आपने बोली थी, मेरा उसे मतभेद है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि मैं इन सब बातों पे आपसे बात करूंगा, पर अब ऐसे लगता है कि ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपकी सारी मान्यताएं हैं, आपका विश्वास है, तो मुझे इसका आदर ही करना चाहिए। और जैसे आप ही ने कहा, आपकी भक्ति आपके और आपके ईश्वर के बीच की है, उसमें कोई तीसरा कैसे आ सकता है, सो मैं इसका आदर ही करता हूं। ये मान्यता है कि सावन का महीना शिवजी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी महीने पार्वती माँ और शिवजी का मिलन हुआ था। सो इसीलिए हमारे पशुपति नाथ की अच्छी से सेवा करें, अच्छी से पूजा करें। ऐसे पूजा में, इनफैक्ट अपने जीवन शैली में, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल न करें जिससे पशु पे क्रूरता हो। पशुपति नाथ है, वो कैसे खुश होंगे अगर उनकी पूजा में, अर्चना में या आपके जीवन शैली में किसी भी पशु पर क्रूरता हुई हो तो। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि वो सत्युग का समय, सत्युग के समय की प्रक्रिया और आज कलयुग के समय बहुत फर्क है। आज हमारे चारों तरफ शोषण है, अन्याय है, क्रूरता है। सो आप प्लीज ध्यान रखें, और आप अज्ञानता के पीछे छुप भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एज है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, ज्ञान है, ध्यान रखें। शैव धर्म के महान आचार्य श्री अनुभव गुप्त के अनुसार आंडवोपाय अनुष्ठानिक सामग्री का उपयोग कर शिव पूजा का सबसे निचला रूप प्रदर्शित करता है, जबकि अनुपाय शिव पूजा का उच्चतम रूप है। फिर हम केवल यह निचले स्तर की पूजा क्यों कर रहे हैं? पूरी प्रणाली केवल इस रूप का प्रचार क्यों कर रही है? क्या इसलिए क्योंकि इससे व्यवसाय चलते हैं, लोगों की कमाई होती है? लोग वास्तविक आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे? अगर हम ऐसा करें तो हम शिव पूजा के उच्चतम रूप अनुपाय की ओर बढ़ेंगे।